नोएडा सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जलवायु विहार सेक्टर 21 में बनी नाली की सफाई के दौरान बाउंड्री वॉल गिर गई। इस दौरान 12 मजदूर यहां काम कर रहे थे, वहीं दीवार में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई मजदूर के फंसे होने की भी आशंका जताई गई है। कई घायल मजदूरों को नोएडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी की बाउंड्री वॉल के गिरने के बाद मलबे को मशीनों और हाथों से हटाकर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो दीवार गिरी है वह नाले से सटी हुई थी और बीते 2 दिनों से नाले की सफाई का काम किया जा रहा था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ये दीवार जलवायु विहार आवासीय समिति ने 25 साल पहले बनाई थी, लेकिन इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा था। ऐसे में दीवार की नींव कमजोर हो गई थी और नाली के सफाई के दौरान ये अचानक भर भरा कर गिर गई। इस हादसे में पप्पू, पुष्पेंद्र सहित करीब 12 मजदूर मलबे में दब गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर और डीएम समेत सभी जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मैंने कहा कि 2 डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 डेथ कैलाश हॉस्पिटल में होने की सूचना मिली है, परंतु इसको दोबारा वेरीफाई करा के पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी जो घायलों के बारे में संख्या 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जिनकी उपचार हो रही है, देख सकते हैं कि मौके पर जितने भी एरिया है उसको और प्रिकॉशनरी तौर पे तलाश भी की जा रही है और रेस्क्यू टीम्स, फायर टीम्स, सारे टीम्स यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक जो रिपेयर का काम चल रहा था उसमें वॉल कोलैप्स की गई है, हुई है, और उसमें जो कौन की पीछे जो यहाँ पे सफाई का कार्य कर रहे थे उसमें दब गए। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस, एम्बुलेंस यहाँ पर रश की गई और फायर ब्रिगेड की जो हमारी स्पेशलाइज टीम है उनको यहाँ पे रेस्क्यू के लिए रश किया गया। इसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है कैलाश और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर पहुँचाया गया। ऐसा आप देख रहे हैं कि जो भी लोग जागते वो सब या तो खुद निकल गए या एनडीआरएफ की टीम की मदद से उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। जो रिसोर्सेज मटेरियल रिक्वायर्ड है यहाँ से कराने के लिए।